हेलो डियर, टुडे वी डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। बहुत मिक्सअप जोन देयर लाइफ फॉर्म एग्जिट्स आर कॉल्ड बायोस्फीयर। मीन्स हमारा जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर, इसका जो नैरो जो कॉन्टैक्ट जोन होता है, जहाँ पर जो लाइफ फॉर्म यानी लाइफ पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, सो उसी को हम बायोस्फियर के रूप में जानते हैं। सो यहाँ पर आता है कि जो लाइफ जो फॉर्म है, इस जो प्लेस पर पॉसिबल क्यों है। सो इट इज़ ऑप्टिमाइज डिस्टेंस फ्रॉम द सन्स, नाइदर इज टू फॉर नॉर इट टू क्लोज टू द सन। यानी हमारे पास अब बताया गया कि जो अर्थ में जो लाइफ जो फॉर्म पॉसिबल है, तो उसका रीज़न क्या है। तो ये जो ऑप्टिमम डिस्टेंस सन्स के, इसके बारे में पहले हमने प्रीवियस क्लासेस है वहाँ पर भी स्टडी किया था, जो अर्थ इन द सोलार सिस्टम में, तो डिस्टेंस एक प्रॉपरली है जो यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म होता है। देन प्रोटेक्टिव जो एटमॉस्फेयर अवेलेबल है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर जो हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। देन आपका नेक्स्ट आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर रिक्वायर फॉर लाइफ फॉर्म्स। यानी यहाँ पर जो वाटर अमाउंट जो सही है लाइफ को यहाँ पर सस्टेंस करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो वाटर चाहिए वो यहाँ पर इजिली अवेलेबल है। सो अब जो मीनिंग की बात करते हैं किसका, बायोस्फीयर का, तो जो बायोस्फीयर है वो बायोस मीन्स लाइफ इन अ ग्रीक वर्ड्स, जो ग्रीक में बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो फिर द बायोस्फीयर इज फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा, एनिमल्स, फौना एंड अदर लिविंग थिंग्स विद देयर इन्वायरमेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। सो यहाँ पर आपका जो बात किया गया, यहाँ पर हम बात करते हैं, जो आपके इंट्रैक्शन होता है किसके बीच, प्लांट्स एंड एनिमल्स और जो अदर जो लिविंग एनिमल्स हैं इनके बीच आपस में इंट्रैक्शन होता है। और जो हम एनिमल्स की बात करें तो जो माइक्रो बैक्टीरिया छोटे छोटे जो बहुत ही जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वैसे एनिमल्स से लेकर बड़े बड़े जो ह्यूज जो हर्ज एनिमल्स होते हैं वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनका जो आपस में कंटिन्यू जो इकोसिस्टम जो बना हुआ है, जो बैलेंस है वो बना रहता है ऑर्गेनिज्म और जिनके इन्वायरमेंट है वहाँ पर, एक जो आपस में दोनों का जो बैलेंस बना रहता है, इकोसिस्टम बना हुआ है। सो इन द बायोस्फीयर लिविंग थिंग्स फॉर्म कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। दिस कम्युनिटीज आर रेफर्ड टू एज बायोम्स। हमारा जो यहाँ पर जो बायोस्फीयर है, उनका अपना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होता है, जो फिजिकल जो उसके आसपास जो फिजिकल उसके सराउंडिंग जो आसपास है उनका एक कम्युनिटी बनता है जिसको कहा जाता है क्या, बायोम्स। यानी उस पर्टिकुलर एरियाज पर, पर्टिकुलर जो रीजन है वहाँ पर, उसी पर्टिकुलर टाइप का जो एनिमल्स है या फिर लाइफ फॉर्म है वो एग्जिस्ट होता है। तो जैसे हम बायोम्स की बात करें, एक पॉन्ड होता है, एक जो तालाब की हम बात करते हैं, सो तालाब में हम जो देखते हैं कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो बायोम्स है वो अलग है। या फिर हम किसी रेन फॉरेस्ट एरिया की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर वो पर्टिकुलर रेन फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर ह्यूमन जो पैटर्न है वो उसी टाइप का होता है। और किसी हम डिजर्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पर जो डिफरेंट जो बायोम्स है हमें नज़र आता है। सो बायोम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रेडोमिनेटेड वेजिटेशंस, फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट, ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स। जैसे मैंने अभी बताया कि जो पर्टिकुलर कोई जो रीजन वाइज जहाँ पर उस टाइप के जो प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, वहाँ पर एनिमल्स लाइफ होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू उसको कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे डिजर्ट
है, ग्रासलैंड की बात किया, घास का मैदान हो गया, फॉरेस्ट एरियाज हो गए। सो ये आपके डिफरेंट बायोम्स है। देन बायोम्स आर फॉर एवर चेंजिंग एंड आर इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स लाइक। सो ये हमारा बायोम्स है वो कंटिन्यू चेंज भी होते रहते हैं, और कुछ जो फैक्टर्स हैं जो उसको इफेक्ट डालते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो आया पॉइंट आया लैम्बरिंग, यानी ह्यूमन जो है ट्री को कटिंग कर रहा है अपने वुड्स के लिए, डिफरेंट जो कटाई कर रहे हैं, तो उससे इफेक्ट होता है आपका बायोम्स, और वो चेंज होता है, पेड़ पौधे वहाँ से कट गए तो वहाँ पर जो डिफरेंट इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। देन प्रिमेटिव एग्रीकल्चर, ह्यूमन जो है प्रिमेटिव एग्रीकल्चर करता है, क्रियल जो फॉरेस्ट या जिसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, एक जगह को छोड़कर कुछ समय के लिए वहाँ पर ह्यूमन्स खेती करते हैं, वहाँ को पेड़ों को काट कर जला देते हैं, वहाँ पर फर्टिलिटी बना हुआ है तब तक वहाँ खेती करते हैं, फिर अगर वहाँ पर उत्पादन कम हो गया तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। सो ये आपका प्रिमेटिव एग्रीकल्चर। देन नेचुरल क्लाइमेटिस, जैसे आपका नेचुरल क्लाइमेटिस में अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, फ्लड्स आए या फिर सुनामिस आए। सो इससे वो जो पर्टिकुलर उस रीजन का, जैसे वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी आ गई, सो वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पर जो मैग्मा है, लावा है, गर्म पदार्थ पूरा फैल जाता है, तो वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देन एक्सेसिव ग्रेजिंग, व्हेन एक्सेसिव ग्रेजिंग टेक्स प्लेस मीन्स बहुत ज़्यादा पशुओं को चराई कर दिया जाता है, तो वहाँ पर जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया कम होने लगता है, या फिर घास का मैदान है सो वहाँ पर ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर दिए गए, तो वहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल्स थे वो धीरे धीरे उस एरिया पर जो ख़त्म होने लगते हैं। सो एक्सेसिव ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाते थे, व्हेन देयर इज़ फॉरेस्ट फायर आइदर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज आर ह्यूमन मेड्स, यानी जंगलों में आग लग गया, पूरा का पूरा जंगल जल गया, वहाँ पर पेड़ पौधे सभी नष्ट हो गए, एनिमल्स वहाँ से चले गए दूसरी जगह, या फिर वो भी जल गए नष्ट हो गए। सो फॉरेस्ट जो फायर है, जंगल का आग है, चाहे वो नेचुरली तरीके से लगा हो या फिर ह्यूमंस के द्वारा लगाया, जैसे आप लोग देखते हैं आपके आसपास, अब जब महुआ का जो समय आता है, सो जो लोग हैं महुआ बीनने में प्रॉब्लम्स होता है करके जो पत्तों को आग लगा देते हैं, तो वो जो आग है पूरा आसपास के जंगल में फैल जाता है, और वहाँ पर जो छोटे छोटे जो प्लांट्स जो ग्रो करने वाले होते हैं वो जल जाता है, एनिमल्स भी बहुत सारे वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो ये आपके जो बायोम्स है वहाँ का पर्टिकुलर का जो इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर देता है, इफेक्ट डाल देता है कुछ जो फैक्टर्स। देन नेक्स्ट आता है आपका जो प्रोटेक्टिंग द फोर एलिम्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारा जो फोर एलिम्स है जिसमें आपके लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमोस्फियर एंड बायोस्फियर, ये जो फोर जो एलिम्स है, सो हमें इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हम जो ये जो हमारा पर्टिकुलर जो फोर जो एलिम्स है, द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर कॉन्शियसली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर एंड डज अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन रिसेंट टाइम, ह्यूमन एक्टिविटीज हैड डिग्रेड द फोर रेलम्स, मीन्स हमारा जो ये जो फोर रेलम्स आपस में इंटरेक्शन होता है, और लाइफ जो है एक दूसरे पर, ये जो लाइफ है ह्यूमन बींग्स का, उसको पर्टिकुलर इफेक्ट डाल रहा है। अगर हम जो क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर जो रीजन है वहाँ पर हम फॉरेस्ट को ज़्यादा क्लियर कर रहे हैं, सो उससे हमारा एटमोसफियर, साथ ही साथ हमारा बायोस्फियर है वो उससे इफेक्ट हो रहा है, और उससे साथ सीधा सीधा जो ह्यूमन का जो लाइफ है वो भी इफेक्ट होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर डिग्रेशन, इंडस्ट्रियल एमिशन पॉल्यूट द एयर, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस पॉल्यूट वाटर बॉडीज, एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज कॉज्ड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइट, दिस इज नाउ एज अ ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो इन्वायरमेंट है हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं एयर्स को, हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ से जो हमारा जो इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंस, हम जो इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं हैं, गंदा जो पानी है, धुआं निकाल रहे हैं, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, ट्री को कट कर रहे हैं, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उससे
हमारा इन्वायरमेंट जो है वो उसका जो टेम्परेचर है हाई होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहा है, साथ ही साथ इससे जो ह्यूमन एक्टिविटीज से आपका जो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन जो लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिससे जो अर्थ उसको जो प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस है जो सन से आता है उसको, वो जो सीधा सीधा अर्थ में आ जा रहा है, और जो स्किन कैंसर है और जो डिफरेंट जो डिजीजेस होने हैं उसके चांसेस ह्यूमंस को बढ़ते जा रहे हैं है। साथ ही साथ जो हम वाटर रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं हाइड्रोस्फीयर के रूप में, जो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है हम उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें वाटर स्कर्सिटी और वाटर पॉल्यूशन है उसका प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। सो कुछ जो मोर द मोस्ट अर्जेंट नीड्स टूडे इज़ फॉर ह्यूमन्स टू लर्न यूज लेस रिसोर्सेज एंड कंजर्व द सेम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। वी शुड सेव द प्लानट फ्रॉम द फर्दर पॉल्यूशन एंड कीप इट लाइवेबल। मीन्स यहाँ पर जो अर्जेंट नीड्स की बात है कि जो ह्यूमंस है उसको लेस रिसोर्स यानी कम से कम रिसोर्स में बेहतर तरीके से उसका यूज़ करना है, उसको सीखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है कंजर्व करना है, किसको, रिसोर्सेज को, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, हमें डिफरेंट जो बायोम्स है हमारे डिफरेंट जो बायोस्फीयर है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स यहाँ पर इजिली रह सके और जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनका भी लाइफ बेहतर हो सके। सो ये जो कुछ जो पॉइंट्स रहे हमारे, ये जो आपका चैप्टर 5 है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको एक्सरसाइज वर्क करने हैं और मेरे पास सेंड करना है। सो ओके, थैंक यू।